हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 10वें, 10th और 100वें, 100th भाग से संबंधित कुछ मजेदार शब्द पहेलियों को हल करना सीखेंगे। बन्नी सोच रहा है कि वो कुछ दिन अपने दोस्त बब्बन के साथ कहीं घूमने जाए। चंपापुर में ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए बन्नी को ऐसी जगह घूमने जाना है जहां गर्मी हो और जिसका तापमान सबसे अधिक हो। बन्नी ने तुरंत अपने टीवी पर समाचार लगाया। समाचार में विभिन्न जगहों के तापमान दिखाए जा रहे हैं। इन जगहों में से ऐसी कौन सी जगह है जहां का तापमान सबसे अधिक है, बन्नी सोचने लगा। बच्चों, आइए हम बन्नी की मदद करें। सबसे अधिक तापमान वाली जगह को ढूंढने के लिए हमें इन जगहों के दिखाए डिग्री सेल्सियस के तापमानों की तुलना करनी होगी। आइए इसे करने के लिए एक आसान प्रक्रिया देखें। बच्चों, जब भी हमें दशमलव डेसिमल में लिखी संख्याओं की तुलना करनी हो तो हम पहले दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट के बाएं लिखी संख्याओं की तुलना करेंगे और फिर दाएं या दसवें टेंथ स्थान में लिखी संख्याओं की तुलना करेंगे। जैसे यहां पहले हम इन सभी तापमानों के दहाई स्थान टेंस प्लेस पर लिखी संख्याओं की तुलना करेंगे। चंपापुर और पंपापुर के तापमानों के दहाई स्थान पर एक है और उल्टा पुल्टा नगर और मायानगर के दहाई स्थान पर दो की संख्या है। क्योंकि एक दो की संख्या से छोटा है, हम सबसे अधिक तापमान वाली जगह को ढूंढने के लिए अब केवल उल्टा पुल्टा नगर और मायानगर के इकाई स्थान यूनिट्स प्लेस की संख्याओं की तुलना करेंगे। उल्टा पुल्टा नगर और मायानगर दोनों जगहों के तापमान के इकाई स्थान पर 5 की संख्या है, इसलिए अब हम इन दो जगहों के तापमानों में दशमलव बिंदु डेसिमल पॉइंट के बाद लिखे 10वें टेंथ स्थान की संख्याओं की तुलना करेंगे। उल्टा पुल्टा नगर के तापमान में 10वें स्थान पर 9 की संख्या है और मायानगर के 10वें स्थान पर 1 की संख्या है। क्योंकि 9 एक से बड़ी संख्या है, हम ये कह सकते हैं कि उल्टा पुल्टा नगर का तापमान इन सभी जगहों में से सबसे अधिक है। बन्नी ने भी ठीक हमारी तरह सबसे अधिक तापमान वाली जगह का पता लगा लिया। बन्नी और बब्बन ने मिलकर कुछ रुपए इकट्ठा कर लिए। अब बन्नी सोच रहा है, मेरे पास मेरे 120 रुपए 25 पैसे और बब्बन के 230 रुपए 50 पैसे हैं। अब मेरे पास कुल कितने रुपए हो गए? बन्नी ने तुरंत एक कागज पर ये जोड़ एडिशन लिख लिया। मैं पहले इस जोड़ को साधारण जोड़ की तरह कर लेता हूँ। ये हो गए 35,075। अब क्योंकि इन दोनों संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद दो अंक हैं, मैं उत्तर में भी इस तरह से दशमलव बिंदु बना लेता हूँ। अरे वाह, मेरे पास अब कुल 350.75 या 350 रुपए 75 पैसे है। बन्नी बहुत खुश हो गया। उसने चंपापुर से उल्टा पुल्टा नगर तक जाने के लिए 2 ट्रेन की टिकटें खरीद ली और बन्नी और बबन मिलकर छुट्टियां मनाने उल्टा पुल्टा नगर पहुंच गए। बच्चों, इस वीडियो में हमने 10वें, 10th और 100वें,
हंड्रेड भाग से संबंधित कुछ मजेदार शब्द पहेलियों को हल करना सीखा। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ और दिलचस्प पहेलियों को हल करना सीखेंगे।